नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो वी न्यूज। तो दोस्तों, वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। उससे पहले अगर आपने अभी तक जियो वी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जियो वी न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। अभिनंदन ने एयरफोर्स चीफ BS धनोआ के साथ उड़ाया MiG-21 विमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 27 फरवरी को पाकिस्तान के हवाई हमले का करारा जवाब देने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने सोमवार को एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के साथ MiG-21 विमान उड़ाया। विंग कमांडर अभिनंदन ने हाल ही में वापस एयरफोर्स में ड्यूटी ज्वाइन की है और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वे फिर से लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार शिवसेना में हो गए हैं शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार सोमवार को शिवसेना में शामिल हो गए। औरंगाबाद जिले की सिलोद विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके सत्तार यहां शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास पर उनकी मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। पाकिस्तान में एक और हिंदू लड़की को अगवा कर किया जबरन धर्म परिवर्तन, अभी तक घर नहीं लौटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान में हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत संगठन ने फेसबुक पोस्ट में इसका दावा किया है। पाकिस्तान में अभी सिख ग्रंथी की बेटी के जबरन धर्म परिवर्तन और निगाह का मामला थमा भी नहीं था कि वहां से एक और ऐसी ही खबर आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार पाकिस्तान में सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की को कथित तौर पर अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन किया गया है। रेणुका कुमारी उर्फ रेनो नाम की यह लड़की व्यवसाय प्रशासन संस्थान यानी कि IBA में पढ़ाई कर रही थी। पाकिस्तान में हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत संगठन ने फेसबुक पोस्ट में इसका दावा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश सरकार का नया नारा, क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार ने चुनाव के लिए ये नारा दिया है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ नीतीश सरकार ने नया नारा दिया है। पटना में जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर नया नारा लिखा हुआ है। नारा है, क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। PM नरेंद्र मोदी जहां चाय बेचते थे, वडनगर की वह दुकान अब बनेगी पर्यटन स्थल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दुकान पर चाय बेचा करते थे उसे अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल वडनगर के रेलवे स्टेशन पर स्थित इस दुकान पर जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यटन मंत्री ने निर्देश दिया है कि दुकान के मूल स्वरूप को बरकरार रखा जाए और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की कोशिश यह है कि PM मोदी के जीवन के उस हिस्से को सहेजने की है जहां से उन्होंने अपनी यात्रा। बताया जाता है कि पटेल ने इसके साथ ही कहा है कि इस दुकान को शीशे से कवर कर दिया जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने बचपन के इस किस्से का जिक्र करते रहते हैं। सीवर में दम घुटने से मरे सफाई कर्मियों के परिवार की मदद करेगी अब सरकार। जी हाँ दोस्तों, सफाई कर्मी दीपक की पत्नी को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ग्राम पंचायत की जमीन का पट्टा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। विराट ने गोल्डन डक पर आउट होते ही क्रिकेट इतिहास में दर्ज हुई 1 सितंबर 2019 की तारीख। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की आखिरी पारी में विराट कोहली पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। कोहली को किमार रोच ने गोल्डन डक पर आउट किया है। टीम इंडिया भले ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबीना पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में जीत की ओर बढ़ रही हो, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के वेस्ट इंडीज दौरे का समापन बेहद ही निराशाजनक अंदाज में हुआ। विंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की आखिरी पारी में विराट पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। कोहली को किमार रोच ने गोल्डन डक पर आउट किया है। विराट के गोल्डन डक पर आउट होते ही क्रिकेट के इतिहास में 1 सितंबर 2019 की तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। टेस्ट क्रिकेट में ये चौथी बार है जब विराट कोहली गोल्डन डक पर आउट। इससे पहले विराट साल 2018 में इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की आखिरी पारी में स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर गोल्डन डक आउट हुए थे। इस बिक्री में लगातार जारी गिरावट से घबराया वाहन उद्योग, सियाम ने सरकार से मांगी तत्काल मदद। त्योहारी सीजन नजदीक है,
ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इस पर फैसला तत्काल लिया जाए और इसकी घोषणा में विलम्ब न किया जाए। जी हाँ दोस्तों, वाहन बाजार में सुस्ती का सिलसिला जारी है। अगस्त में वाहनों की बिक्री में 30% की जोरदार गिरावट रही। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने सोमवार को कहा कि सरकार को वाहन उद्योग को रफ्तार देने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।